नमस्कार दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मोहित। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल के कुछ फ्लॉप प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम कभी भी एप्पल का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक परफॉर्मेंस, एक टिकाऊपन, एक लंबे चलने वाले प्रोडक्ट की, एक गैजेट्स की इमेज बनती है, एक छवि बनती है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं एप्पल के जो मार्केट में बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। तो जैसे कि दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि एप्पल मोबाइल बनाता है, टैबलेट बनाता है, आईपैड बनाता है, साथ ही मैकबुक भी बनाता है। ये इनके कुछ ऐसे गैजेट्स हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में काफ़ी सक्सेस रहे हैं, काफ़ी उनकी ग्रोथ हुई है, काफ़ी उनकी सेल हुई है और लोगों ने खूब इन्हें पसंद भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो बिल्कुल बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं, मार्केट में उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। जैसे कि दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब कभी एप्पल का नया प्रोडक्ट या फिर नया कोई गैजेट लॉन्च होता है तो लोगों की दीवानगी देखने के लायक होती है, क्योंकि आपको काफ़ी सारे आई लवर मार्केट में मिल जाएंगे, आपके आसपास ही होंगे, जो आईफोन को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे दोस्तों, कभी भी आईफोन जब लॉन्च होता है तो दोस्तों जो आईफोन लवर होते हैं वो लाइन में लगकर गैजेट्स को परचेज करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एप्पल के फ्लॉप प्रोडक्ट के बारे में, वो है एप्पल यूएसबी माउस। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएसबी माउस भी सबसे पहले एप्पल ने ही लॉन्च किया था। जो आज अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में यूज करते हैं वो सबसे पहले एप्पल की ही देन है। जी हाँ दोस्तों, एप्पल ने इसे नाम दिया था हॉकी पुक माउस के नाम से, जिसे 98 में लॉन्च किया गया था। लेकिन मार्केट में एक अच्छा रिस्पॉन्स ना देने की वजह से बहुत जल्दी प्रोडक्शन इसकी जो है वो बंद कर दी गई थी। सो गाइस, दूसरा एप्पल का फ्लॉप प्रोडक्ट है एप्पल बिंदाई पिपिन। जी हाँ दोस्तों, ये एक गैजेट था, कंसोल था, जो कि सीडी प्लेयर के साथ आता था और उसे 1995 में जो है वो लॉन्च किया गया था, मार्केट में उतारा गया था और इसकी बिक्री ना होने की वजह से इसे 1997 में बंद कर दिया गया था। सो गाइस, जो तीसरा एप्पल का प्रोडक्ट है वो है एप्पल क्विक टेक। जी हाँ गाइस, ये एप्पल का एक डिजिटल कैमरा था, फर्स्ट डिजिटल कैमरा था, जिसे 1994 में जो है वो मार्केट में उतारा गया था और ये बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ था और मार्केट में इसकी सेल ना होने की वजह से इसे मात्र एक साल के अंदर बंद कर दिया गया था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एप्पल के चौथे फ्लॉप प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम था आईपॉड हाईफाई। जी हाँ गाइस, ये एक म्यूजिक सिस्टम था जिसे 2006 में लॉन्च किया गया था, 2006 में इसे लॉन्च किया गया था, मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छा मार्केट में रिस्पॉन्स नहीं मिलने की वजह से 2007 में इसकी जो प्रोडक्शन थी उसे बंद कर दिया गया था, मार्केट से इसे पूरी तरीके से हटा लिया गया था, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा नहीं बिक पाया था। इससे ज़्यादा फ्लॉप क्या होगा कि एक साल के अंदर, मात्र एक साल के अंदर इसको बंद कर दिया गया था। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो 23,250 रुपये, बोले तो $349 अमेरिकी डॉलर इसका जो है वो प्राइस रखा गया था और कुछ अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से एप्पल का ये प्रोडक्ट भी फेल हो गया था, फ्लॉप हो गया था। सो गाइस, एप्पल का जो फिफ्थ और लास्ट फ्लॉप प्रोडक्ट है उसका नाम है मैकनोटोस टीवी। जी हाँ गाइज, मैकनोटोस इनके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, इनकी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है और उन्होंने उसी के नाम पे जो है वो टीवी बनाया था। 1993 में एक मार्केट में एक टीवी इंट्रोड्यूस किया था और उसकी 10,000 यूनिट्स बनाई गई थी, लेकिन गनीमत ये रही कि वो 10,000 यूनिट्स भी नहीं बिक पाई और 1993 में इसको बनाया गया था और 1994 में इसे मार्केट से आउट कर लिया गया था, इसकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था। एक तो गाइस, इनका आईपॉड हाईफाई और मैकनोटोस टीवी ये बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुए थे और दोस्तों मार्केट में कुछ अच्छा ना करने की वजह से इनको एक साल के अंदर मार्केट से गायब कर दिया गया था, मार्केट से पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया था। और शायद इसका यही कारण हो सकता है कि उस टाइम पे एप्पल की वो हाइप नहीं थी। अगर शायद अब एप्पल ये प्रोडक्ट लॉन्च करे जो कि मैकनोटोस टीवी है, अगर टीवी की इंडस्ट्री में वो दोबारा से आए तो हो सकता है कि वो चल जाए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एप्पल के जो गैजेट्स होते हैं वो थोड़े से ओवर प्राइस होते हैं। जैसे अभी आईफोन एक्स लॉन्च हुआ था वो 89,000 का था। तो गाइस, 89,000, 89,000 यार, 89,000 का एक फ़ोन, मतलब इतना ज़्यादा कॉस्टली ये गैजेट्स बनाते हैं, फ्लॉप होने का एक ये मुख्य कारण हो सकता है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में अभी कुछ दिन पहले ही एप्पल के 1 करोड़ सब्सक्राइबर हुए थे, 1 करोड़ यूजर्स हुए थे। इंडिया में जनसंख्या कितनी है? 125 करोड़, और सब्सक्राइबर कितने हैं? 1 करोड़। वो इसीलिए ही है क्योंकि एप्पल की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है,
इसी वजह से इनके प्रोडक्ट मार्केट में इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाते। सो गाइस, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।